संविधान बचाओ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आरएसएस की मंशा क्या है, जनसंघ की मंशा क्या थी और बीजेपी की आज जो मंशा क्या है ये। और बार बार ये भी कहते हैं कि एक मिनट, बार बार ये भी कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर को इन्होंने इज्जत नहीं दी, उन्होंने सब कुछ उनको हरा दिया, ऐसी गलत बातें यहां पर भी कही गई, वहां पर भी वो कहे। कल हमारे नड्डा साहब ने वहां भी कहा, अब ये भी यहां कहेंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर ने अपने शब्दों में कहा है कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना। सुन रहे हैं आप, समिति में मुझसे बड़े, मुझसे बेहतर और मुझसे सक्षम लोग थे। ये कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही कमाल है कि प्रारूप समिति संविधान सभा में संविधान को हर धारा और हर संशोधन के बारे में निश्चित जानकारी के साथ प्रस्तुत कर सकी। कौन करे? कांग्रेस वाले करे। और इसको बाबा साहब अंबेडकर ने कहा और ये कहते हैं इन्होंने विरोध किया, उन्होंने ये किया, उनका अपमान किया। आगे मैं बताऊंगा। इसलिए संविधान सभा के समक्ष संविधान के प्रारूप के अबाध रूप से प्रस्तुत किए जाने के समस्त श्रेय पर कांग्रेस पार्टी का हक बनता है। ये बात मैं कहने वाला था और मेरी बात सुन रहे नहीं। मैं मिनटों से हाथ उठा रहा हूं, हमारे सभी पार्टी इंडिया गठबंधन पार्टी पूरी उठ के डिमांड कर रही थी, मांग रही थी, हम ध्यान खींच रहे थे चेयरमैन साहब, ना हमको वो मौका नहीं मिला। मैं फिर प्रधानमंत्री से खुद रिक्वेस्ट किया, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन उन्होंने भी उसको नकार दिया। मैं जो जो झूठ बातें उन्होंने बोली है ये पूरे मेरे पास है। और कैसा ये लोग आज सदन में बोलते हैं, सदन के बाहर बोलते हैं, ये समझे हैं वो ही पढ़े लिखे हैं और गलत बातें बोलने में माहिर है। ये तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का स्पीच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बोला वो लाया हूं और ऑर्गेनाइजर में उनके लोग क्या बोले हैं वो भी मैं बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया। और इसलिए मैं कंडम करता हूं, हम सभी लोग कंडम करते हैं और कंडम करके हम वॉकआउट किए, क्योंकि ये हमारे बात को जब कोई महत्व ही नहीं है तो वहां बैठकर क्या सुने हम। और जब प्रधानमंत्री खुद यहां पर जब बात कर रहे थे राहुल जी, उस वक्त दो बार उठ के उन्होंने क्लैरिफिकेशन की कोशिश की, क्लैरिफाई कर दिए, चार चार मिनिस्टर क्लैरिफाई कर दिए। मैं जब बात कर रहा था तो मेरे सदन में मेरे को रोकने टोकने का इतना कोशिश की, इतने लोग बार बार उठे मिनिस्टर्स, तो आज मेरे को एक मिनट नहीं मिल सकता था इस बात बोलने के लिए। इसीलिए हम वो सभी लोग कंडम करके वॉकआउट किए हैं।